मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कर... कराया कि नहीं कराया है। इस वेले दी बड़ी ते अहम खबर देश दी राजधानी दिल्ली तो गल करिए आम आदमी पार्टी वालों मेरठ दे विच कीती गई महापंचायत दी। आम आदमी पार्टी वालों मेरठ दे विच महापंचायत कीती गई ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों केंद्र सरकार ते वड्डे इल्जाम लगाए गए ने। केजरीवाल ने कहा कि लाल किले ते पूरा कांड केंद्र ने कराया। 26 जनवरी दी घटना दोहरांदे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान अपने हकां लई अपनी जान तक ता दे सकदा है परंतु देश द्रोही नहीं हो सकदा। दिल्ली हिंसा मामले ते बोलदा ना कहा कि लाल किले ते झंडा लहराउण वाले किसान नहीं बल्कि बीजेपी दे लोक सन जिन्हां ने लाल किले ते झंडा लहराया बल्कि झूठे पर्चे उल्टा किसानां ते दर्ज कीते गए ने। हुण भी की कहा दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की सुनो। ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। कराया कि नहीं कराया है। भाई साहब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सब ने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ इधर से जाओ इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चला रहे थे चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों ऐसे हजारों हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के दो बेटे हैं, एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा जवान है। आज जब हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ सैनिक देखता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले और उनकी केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए मेरे भाई को और मेरे बाप को आतंकवादी बोल रही है तो दोस्तों सोच सकते हो उसके सीने पे कितना उसको दुख होता होगा। दोस्तों हमने शुरू से कंधा मिला के इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। मेरे को याद है जब पंजाब के किसान चले थे, हरियाणा क्रॉस कर रहे थे, जगह जगह उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, बैरिकेड लगाए गए, लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि इनको दिल्ली आने से रोको, लेकिन वो भी पूरी बहादुरी के साथ केंद्र सरकार का सामना करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। फिर केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि चलो इनको दिल्ली में आ जाने दो। ये दिल्ली में आ गए उसके बाद इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास एक फाइल भेजी। फाइल में लिखा था दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम को जेल। भाई साहब अपनी कितनी अच्छी है, वो जेल बनाने की पावर मेरे पास है, इनके पास नहीं है।
इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी, तो इन्होंने फाइल मेरे पास भेजी और उसके उस भाई साहब जितने फोन पे फोन ये फाइल क्लियर, पहले प्यार से बोले फिर धमकी दी इन्होंने, हमने फाइल क्लियर नहीं की भाई साहब, इनको जेल नहीं बनाने दिए स्टेडियम। उस टाइम अगर हम ये जेल बन जाने देते स्टेडियम, ये सबको उठा के जेल में डाल देते और जेल में पड़े रहते सारे जने। मेरे को याद है मैं अन्ना आंदोलन में, जब हम अन्ना आंदोलन में हुआ करते थे तो कांग्रेस ने भी ये सारे स्टेडियम जेल बनाए थे, मैं भी कई दिन इन स्टेडियम में जेल में रह चुका हूं। मेरे को पता था अगर सारे किसानों को उठा के इन्होंने स्टेडियम में डाल दिया, सारा आंदोलन टाई टाई फिस हो जाएगा, सारा आंदोलन खत्म। हम अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, किसान एकता। किसान एकता, जय जवान जय जवान। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों इनको हमने जेल नहीं बनाने दिया, और जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हैं, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, तन मन धन से हम उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। मेरे सारे विधायक, मेरे सारे मंत्री, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सरकार के अफसर, उन सबको लगा रखा है खाना बनाने में, लंगर लगाने में। मैं ये नहीं कह रहा हम ही कर रहे हैं, वहां पे बहुत लोग हैं, कई और संस्थाएं भी कर रही हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था करने में, टॉयलेट की व्यवस्था करने में, वहां पे फ्री वाईफाई की व्यवस्था करी, वो सारी व्यवस्थाएं करने में पूरी मदद कर रहे हैं। जय जवान जय जवान अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों फिर 28 जनवरी थी ना जी, जब 28 जनवरी की रात को जो कुछ हमने टीवी पे देखा वो यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी, पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे, उनको क्या जरूरत है, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब ये नहीं देखा गया, ये नहीं देखा गया। मैंने पहले संजय सिंह को बोला, संजय सिंह के ने उनको फोन किया, फिर संजय सिंह जी ने मेरी उनसे बात कराई, मैंने राकेश सिंह जी को एक ही बात बोली, मैंने कहा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, हम हैं आपके साथ। जय जवान जय जवान केजरीवाल, किसान एकता। उन्होंने कहा पानी का इंतजाम करा दो, टॉयलेट का इंतजाम करा दो। हमारे तुरंत विधायकों ने वहां पे पहुंच के रातों रात पानी का, टॉयलेट का, जो जो चीजें उन्होंने कही उन्होंने इंतजाम करा, और हमने कहा मतलब आप डटे रहो, हम आपकी पूरी तरह से साथ हैं, हिम्मत मत हारो, बस सारा देश के किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। दोस्तों ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था,
एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी भाई साहब, उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हैं, पश्चिमी यूपी के और इतने बड़े बड़े नेता आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी पे नहीं मिली, एक मंडी बता दो जी भाई साहब, कहीं नहीं मिली भाई साहब, इतने किसान है जरा हाथ उठा के बता दो सब लोग, बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं भाई साहब, एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो, मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने, नहीं उठती वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम, तो अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी, दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहाँ पे ट्यूबवेल ट्रेल नहीं घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जी, चारों तरफ से आवाज उठ रही है किसानों की, जिस तरह से समस्याएं इन्होंने कर रखी है, सिलेंडर लेके आ गए उधर वो भाई साहब सिलेंडर ले आएगा उसका अब घर में इतना ही सिलेंडर आया इतने पैसे में, तो दोस्तों एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है, लोग कह रहे हैं जी लाखों लाखों किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है तो भाई साहब केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही, केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस ले रखा है इन्होंने, बयाना ले रखा है इन्होंने, बयाना उठा रखा है इन्होंने। Finding for a school to enroll in? Do you want to enhance your skills and abilities? Don't worry, Lala Kasturi Lal Sarvadkari Senior Secondary Vidya Mandir, affiliated to CBSE, offers you complete facilities of computer lab, high quality education, friendly environment with affordable fee structure and facility of Shishu Vatika for kids. Admission open from now for LKG to 9 and plus 1 in all streams. What are you waiting for? Build your child future at Lala Kasturi Lal Sarvadkari Senior Secondary Vidya Mandir, Mehraj Road, Rampura Phool, District Bathinda. Contact on 01651-505076 and 505077. Are you worried about your child future? Then here is a golden chance to join Doon Senior Secondary Public School for bright future of your child. Best education is provided here with reasonable fee structure, finest environment, well-managed labs of physics, chemistry and biology, special quota classes for plus one and plus two students. Admission open from now for nursery to 9th and plus one in commerce, arts and medical stream. Join Doon Senior Secondary Public School, Karyadwala, District Bathinda. Contact on 94179-40107 and 99884728-57. For your child's bright future and to enhance your child's knowledge, take them to Bhartiya Model Senior Secondary School, CBSE affiliated. Admissions are open from nursery to 12th with medical, arts and commerce stream with affordable fee. Available facilities are fully air-conditioned classrooms, well-educated and cooperative staff, healthy environment for your child's better upbringing, faculty of kindergarten, physics, chemistry and mathematics lab, extracurricular activities like yoga classes, meditation sessions, athletic meet. Admission open, limited seats. Do hurry. For the further inquiry, contact on 01651-220279 and 01651-221279.